बारे में देखे सारी बातें बता दी हैं सबको पता लग गया हम क्या क्या हरकतें करते हैं तो मैंने आज सोचा कि आज इनके बारे में कोई बात नहीं होगी आज हम सीधा जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज पे हुमेरा असगर नामी एक एक्ट्रेस ने कहा है कि इंस्टाग्राम पे जिस तरफ देखो प्लास्टिक की ही बात होती है एक्ट्रेसेस को कहा जाता है अपना नाक ठीक कराओ अपने होट ठीक कराओ अपनी आंखों की पलके बढ़ा दो ये सारे मशवरे सिर्फ ख़वातीन एक्ट्रेसेस को ही क्यों दिए जाते हैं भाई अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया और अगर आप छुरी के नीचे नहीं जाना चाहते तो ये आपकी मर्जी है जो मर्जी कोई क्या करे फर्क पैंता है राहुल राव ने अभी अभी इंकशाफ किया है कि एक लीडिंग एक्ट्रेस ली के साथ काम नहीं करना चाहती थी रजामंदी दे दी है पूछना यह था राहुल तो कैसे अपना माइंड चेंज किया जापान में रहने वाले एक शख्स ने लाख रुपए खर्च करके एक वुल्फ का सूट बनाया है और यह कहा है कि मुझे जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत है भाई पूछना यह था कि अगर आपको जानवरों से मोहब्बत थी तो यह अठारह लाख रुपए उनकी अफजाइश

आती रही हूं यह कहना है सबा कमर का सबा ये पूछना था। तमाम लोगों की तरह कहीं, आपका की जब हम लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हम लोग अपने दिल की अपने अंदर की सारी बातें नहीं कहते लोगों को बड़ी गाड़ियां बड़े घर बड़े चमचमाते कपड़े देखकर यह लगता है कि हम बहुत खुश हैं सहीफा जबार खटक ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाकर मेंटल

नहीं हो सकती दिमाग की बीमारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी और किसी अजा की बीमारी और अब आपके दिल की बीमारी को दूर करने के लिए मैं बुला रही हूँ अपनी पार्टनर्स इन क्राइम अलाइका और मोमिना को खबर लाई हो होम आज सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। so पहन के तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा लग yani है. आपने भी बहुत ही रहा है खूबसूरत कॉम्बिनेशन थैंक यू सो मच अच्छा, आज हमारे पास अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सीज और जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बातें होनी शुरू हो जाती है हाँ. सो फहद मुस्तफ़ा सुपर स्टार विदाउट एनी डाउट ओके उन्होंने बहुत काम किया है उन्होंने शोज भी किए हैं उनके उन्होंने डायरेक्शन भी की उन्होंने प्रोडक्शन भी की उन्होंने एक पिक्चर लगाई उसके ऊपर लोगों ने उनको कमेंट्स के बीच में बगैर किसी वजह के कि वो कोई पिक्चर कंट्रोवर्शियल भी नहीं थी ओके okay. वैसे ही उनकी एक पिक्चर थी उनकी uh, उन्होंने अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम पे पोस्ट की ठीक और उसके ऊपर लोगों ने उनको इस चीज़ पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में एक तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर और मेजर मसला है कि अगर हमारे एक्टर्स कुछ हल्का सा अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे हाँ। तो उनको बॉर्डर पार लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है या तो उनको कहना शुरू कर दिया जाता है कि आप तो किसी हॉलीवुड के एक्टर की कॉपी कर रहे हैं okay. या उनको कहना शुरू कर दिया जाता है कि आप तो मतलब उसके नीचे कमेंट था में फाद मुस्तफ़ा को ये कह रहा है कि अगर सस्ते में रणवीर कपूर देखना है सस्ते में रणवीर कपूर का क्या मतलब है आपने फायद मुस्तफ़ा की पूरी एक्टिंग जर्नी उसका पूरा करियर एक सेकंड में गटर में डाल दिया He stands और उसके पीछे well, जिन लोगों को नहीं पता उसके फादर है वो। और उसके बाद जब लोग इस तरह की बातें करे तो कुछ टोपेड लोग वो भी है जो आके उसको ह्यूमर में समझ के मजाक उड़ा रहे हैं दिस इज नॉट ह्यूमर आप आपके लिए वो काम कर रहे हैं आपके मुल्क के लिए काम कर रहे हैं हमारा मुल्क इतना एक्नॉलेज किया जाता है उनके काम की वजह से उनकी मूवीज़ देखी जाती हैं उनके बनाए हुए ड्रामाज देखे जाते हैं और कितना न्यू टैलेंट उन्होंने प्रमोट किया अपनी प्रोडक्शन हाउस में कास्ट करने के बाद बैंक एक बहुत बड़ा बैनर है और इतने बड़े आदमी के इतने बड़े काम जो उसने ज़िंदगी में किए हैं और अभी भी कर रहा है उसको ऐसे मिट्टी में नहीं मिला देते और सबसे बुरी बात मुझे उस वक्त ये लगी कि मुझे उस पर हंसी नहीं आई और वो मुझे ऐसी इस वजह से नहीं आई कि आप अपने लोगों को वाई आर यू नॉट लेटिंग दि बी हेम जैसे थे ना बी यू बी योर सेल्फ तो आप उसको वो क्यों नहीं करने दे रहे हो okay. आप उसको एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जो कि आपके मुल्क का ही नहीं है और आप उसको ये बता रहे हो कि अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हो या आप बहुत अच्छे ड्रेस हो, तो आपने किसी की कॉपी की और उस इंसान की जो कि आपकी कंट्री का हिस्सा है ही नहीं और आप एक उस तरह के इंसान को लेट डाउन कर रहे हो जो आपके मुल्क के लिए काम कर रहा है आपके मुल्क में ड्रामाज बना रहा है इंटरटेनमेंट और मूवीज हमने फार की कितनी देखी है जो कि बड़ी ब्लॉक भी रही है और हमारे पास कुछ इस तरह का टाइम भी हमने देखा है कि हमारे पास सिर्फ और लोगों की मूवीज़ होती थी और कंट्रीज की मूवीज़ होती थी देखने के लिए लेकिन पाकिस्तान में इतनी अच्छी मूवीज़ नहीं बन रही थी लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बैन भी हो गया था और फिर सिर्फ पाकिस्तान की मूवीज़ बनती थी वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था एक तरह से टुवर्ड्स तो आर फिल्म इंडस्ट्री टूवर्ड्स तो आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्योंकि जब फिल्म नहीं बनती थी तो फिर हमारे पास देखने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि एक तरफ से बैन हो गया था कि हम किसी और हम स्पेशली जो है बॉलीवुड की मूवीज नहीं लगा सकते मेरा ख्याल से हॉलीवुड की हमें फिर भी था कि हम कोई मूवी जो सेंसर है या कोई सही है वो लग जाती थी सिनेमाज़ में लेकिन जो बॉलीवुड की मूवीज थी वो नहीं लग रही थी तो हमारे पास कुछ देखने के लिए नहीं था फिर ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारी इंडस्ट्री में कि लोगों ने हमारे अपने लोगों ने फिल्म बनाई और उन्होंने उसको रिलीज करना शुरू किया जो कि शुरू में जब एक चीज नहीं बनता

तब भी जस्टिफिकेबल नहीं था मेरे मुताबिक क्योंकि हमें नहीं पता एक इंसान की क्या एफर्ट्स है अगर हम ये भी सुनने को देख लेते कि फहद मुस्तफ़ा को हमायूं सही से कंपेयर कर दिया जाता तो चलो कुछ था कि अच्छा टैलेंट को टैलेंट से कर दिया लेकिन एक उस तरह के इंसान से आप अपने स्टार को सुपर को जो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं पता नहीं क्या उनके शूटिंग आर्स होते होंगे पता नहीं वो सोते भी होंगे या नहीं तो आप अपने टैलेंट को उठा के एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसका जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी कंट्री में जिसको पता भी नहीं है कि आप हो कौन जो बोल रहे हो बैठ के तो वो मेरे इस हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हमारा अपना टैलेंट है हमें अपना टैलेंट प्रमोट करना चाहिए इस तरह तो फिर हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी इस तरह तो पकड़ के फिर बॉर्डर पार से लोग लें कि हम उनसे काम करवा लेते हैं वो ज्यादा अच्छे सुपरस्टार हैं या वो कोई राह चलते नहीं तो है उनके कहने से उनका टैलेंट फहद मुस्तफ़ा का टैलेंट कम तो नहीं वो हो एक और बात है लाइक लेकिन अगर हम इस कॉन्ट्रोवर्सी या इस कॉमेंट पे या इस हेट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो वो सरासर गलत था क्योंकि फहद इज़ आर सुपर हीरो एंड ही हैज अमेजिंग एंड ही हैज अमेजिंग बैकग्राउंड फ्राम द फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामाज भी पहले वो ड्रामाज करे थे फिर उन्होंने मूवीज़ में शिफ्ट कर लिया फिर उन्होंने प्रोडक्शन की उन्होंने डायरेक्शन की तो एक ये कंपेरिजन बनता ही नहीं है और हमारे एक्टर्स जिस बजट में जिस सारी चीज़ों में सारा कुछ मैनेज करते हैं हम बॉलीवुड से कंपेयर कर ही नहीं सकते उनका तो और तरह का हिसाब है सारा हमारी तो इंडस्ट्री उतनी वाइड और उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी बॉलीवुड की है जी लाइक मेरा ख्याल है कि उनको फोकस करना चाहिए फदम उसे बहुत अच्छे जो है ना वो एक्टर हैं और होस्ट भी हैं तो उनको ये

आपके पाकिस्तानी हैं है, उनको अपनाएं है, उनको प्रमोट करें उनको प्रमोट करें उनको सपोर्ट करें उनकी मतलब उनकी जड़े ना काटें और जितना भी कोई बड़ा स्टार क्यों ना हो जाए हेटरेट किसी को नहीं चाहिए होता नहीं। और नहीं। नहीं। उनको लेट करने का मतलब है अपने मुल्क को लेट करना ना मेरा मेजर और मेरा बेसिक पॉइंट इस वक्त इस पूरी कन्वर्जेशन और डिबेट का ये है कि अपने लोगों को लटडाउन करोगे तो पाकिस्तान को लटडाउन करोगे हम कभी भी अपने मुल्क पाकिस्तान को लटडाउन नहीं करेंगे हम अपने हीरोज को हमेशा एहतराम से देखेंगे अपने हेरोइन को हम करते हैं अपने को हम ओन करते हैं, हमारा टैलेंट पूरे दुनिया में नाम कमाता है पाकिस्तान का नाम रोशन करता है हमें उन पर फख्र है और हमें आप पे भी फख्र है क्योंकि आप आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़कर अभी ब्रेक के बाद

फैज अहमद के नवासे की बात हो रही है खुद भी हैं हैं, लेकिन छुपे रुस्तम है। फेस्टिवल कराते, अब तक तो आप यकीनन समझ गए होंगे बड़े पाए के एक्टर हैं बड़े पाए के पोइट हैं उसके साथ साथ कॉमेडी में भी उन्होंने कोई कम काम नहीं किया मैं बात कर रही हूं

आप है ना रोकने के लिए यार एक तो ये म्यूजिक को रोके क्यों? ऐसा ना हो कि अंदर का कुछ बाहर आ जाए। ये ऐसी लग रहा है मुझे मुझे ये दो दफा और हुआ तो मैं जवान होता जा रहा हूँ हर, हर एक बीट के साथ मेरे कुछ पांच साल कम हो रहे हैं अरे वा... जस्ट इमेजिन फिर जब मैं यहाँ पे रोज शो करती हूँ तो मेरे बारे में सोचे जरा। नहीं आपकी तो भी उम्र ही क्या है अभी, तो, हाँ, अभी बा, बा, बा। तो, अभी, तो, अभी तो अभी तो जिंदगी ने कुछ किया ही नहीं आपके साथ जो हमारे साथ आ, हुआ है वो तो भी कुछ हुआ ही नहीं अच्छा आपके साथ क्या हुआ है हाँ, मैं बता दे अभी तो इस तरह का इतना खूबसूरत शो है ये तो ऐसा शो है जो मैं करके खत्म होके अब आप पहुंची यहाँ पे और इसी इसी खूबसूरत चैनल और बहुत सी टीम के ऐसे साथी यहाँ मौजूद हैं जो मुझे कोई साढ़े सात सौ साल के बाद मिले <laughs> मुझे बहुत खुशी हो रही है 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 कि होस्ट हमेशा जवान रहती है, इस इस चैनल की है। गेस्ट जो है ना उनकी उम्र बढ़ती जाती है वा, 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 क्या बात है बताएं कि इतने अच्छे से कहा गायब है सिर्फ एडवर्टीजमेंट में नजर आ रहे हैं पर्सनली आप मुझे पता है आप ट्रेनिंग कराते हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्यों नहीं होते एक्टिंग तो आपने जब शुरू हुई थी जब एक्टिंग कहा गया था कि ये है अठारह है। सत्तावन की जंगे आजादी के आधे घंटे बाद जब शुरू हुई थी, आपको तब से कर रहे हैं। हाँ। तो वो मतलब अभी भी आपके साथ जो लोग आए थे वो अभी भी हीरो कास्ट हो रहे हैं यार आप किधर हैं? आयशा, आप ये बात समझ हैं कि वो हीरो कास्ट हो रहे हैं और मुझे कोई तैयार नहीं है हीरो कास्ट करने में ये क्यों कौन को ये बात बता रही है <laughs>

बेशुमार हैं कोई आ, एक जिसे मतलब आपको पता हो कि यार ये तो कोई नहीं कर सकता यार इस किस्म के तो नहीं है जिस किस्म के आपके होंगे मुझे पता नहीं है <laughs> मुझे एहतमाल है कि होंगे अच्छा जी लेकिन मेरे जरा कुछ कदरे शरीफाना मुहजबाना तहजीब याफ्ता एडवेंचर्स मैंने तहजीब याफ्ता एडवेंचर के ऊपर जरा रोशनी डाले आम, मैं ये बात है जब आप पैदाइश में कोई पांच साल अभी थे उनको वो ड्रामे का पता होगा <laughs> तो वो ड्रामा बहुत हिट ड्रामा था राइट <laughs> right. एक दिन मुझे पता नहीं क्या सूजी एक दिन तो नहीं कुछ दिन तो मैं जैसे अभी बोर हो गया हूँ मीडिया से तब भी बोर हो गया तो मैंने सारा काम छोड़ के अपनी सारी जमा पूंजी उस वक्त काफी जमा पूंजी थी अब नहीं तो मैं सब छोड़ के मैं एक और मुल्क चला गया पढ़ने के लिए अच्छा ठीक है और मैंने कहा यार उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि पता नहीं वो जिस तरह आपके अंदर से वो तो निकलती ना हाँ। तो मेरे अंदर से किताबों की तरफ मुझे कुछ तबियत मुलतफि होती है कुछ अच्छा। और पढ़ा जाए सही तो सब ने मुझे कहा कि अरे तुम क्यों पढ़ने जा रहे हो और हाँ। सब काम चल रहा है और तुम ड्रामा भी पॉपुलर है और अच्छे पैसे आ रहे हैं मतलब इसके लिए तो पढ़ना था ना लेकिन नहीं वो एक पागलपन था तो मैं सब छोड़ के अमरीका चला गया दो तीन साल के लिए अच्छा

अगर आपको बाहर जाने का शौक है अगर आप उन नौजवानों में से हैं जो कहते हैं कि यार ये क्या मुल्क है यहाँ गर्मी है और मिट्टी है और बिजली नहीं आती वग़ैरह वगैरह ये सब बातें सही हैं और आप कहते हैं कि मैं अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा या आऊंगी तो आप ज़रूर जाएं क्योंकि जब आप जाएंगे तब आपको चलेगा पता कि कम बक वो क्या कशिश है इस मिट्टी की जो वापस खींच लाती है और तब इधर की मिट्टी और धूल भी याद आती है गर्मी भी याद आती है लोड शेडिंग भी याद आती है तो so, इसलिए जरूर बाहर जाएं, क्योंकि वो जो एक हम सुनते हैं ना कि मुहब वतन है या मुल्क से मोहब्बत उस वो चेक तब होती है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं क्या बात तो है? एक दफा जरूर हो के हैं ताकि मेरी तरह जब वापस आए तो ऐसे पक्के बंधे हुए हैं कि फिर कभी बुराई ना करें इस मुल्क क्या बात है क्या बात है अच्छा कोई ऐसी तीन चीजों का नाम लें जब आप कैशियर से मांगते हैं तो हैरान हो जाते हैं आपको देख आयशा जहाँ का मोबाइल नंबर अच्छा आयशा जहाँ के घर का पता <laughs>

एक्चुअली सच होना नहीं कहना चाहिए वो मैंने okay. <laughs> सच अच्छा, किए। जो आपने पकाया था और आपकी उम्मीद भी नहीं थी वो पूरा हो गया उम्मीद भी नहीं, नहीं थी नहीं वो पूरा हो गया आपको बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये कभी हो सकता है और वो हो गया यार बहुत सारे हैं ऐसे एक एक जो बताने लेकिन वो बहुत तहजीबी सी और एक चुचोरी सी बात लगती है कोई बात खाली प्लाव जो डोटे तौर ब्लाउजी हो गया पूरा यार मैंने बहुत साल पहले की बात है जब नए नए पैसे आते हैं ना किसी के पास अच्छा मीडिया में खास तौर पे राइट तो तौर से वो लोग मेरी तरह कुछ छुछोरे हो जाते हैं की तरह था आम से कुछ तो, कुछ तहजीबी तो ने ने पैसे है मेरे पस, मैंने बहुत महंगी सी गाड़ी ले ली अच्छा बहुत महंगी लेकिन लतीफा उसमें लतीफा ये है कि बहुत महंगी थी वो तो मैंने गाड़ी बुक करा दी अच्छा और मेरे पास जो अपनी गाड़ी थी मैंने बेच दी अब गाड़ी नहीं है मैं बेकार हूँ अच्छा। और वो कुछ महीने में गाड़ी आएगी अच्छा। तो गाड़ी वो उनका फोन आएगी शोरूम पे आ जाए गाड़ी आ। अब शोरूम पे जाऊँ कैसे अच्छा घर की गाड़ी ड्राइवर बिजी था हाँ। तो मैं रिक्शे पे गया अरे वाह शोरूम तो रिक्शे शोरूम वाले गार्ड ने बाहर रोक लिया जैसे मुझे अभी रोका ना इस चैनल में बाहर <laughs> कि किधर भाई किधर मैंने कहा यार मेरी गाड़ी आई है रिक्शे पे तू आए गाड़ी आई मैंने कहा हाँ गाड़ी आई है बताओ के बाहर तो मैं रिक्शे में गाड़ी लेने गया अरे वाह क्या बात है जो आपने सोचा भी नहीं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गाड़ी खरीद सकूंगा आहा। तो, तो वो आपका पूरा, पूरा हुआ हो क्या? और रिक्शे में बैठ के हा, हा। पूरा क्या वे मैं ये बता दूं कि अब मैंने वो गाड़ी बेच दी है और मैंने बहुत सारे पैसे जो हैं वो मैंने चैरिटी में दे दिया क्या बात है अच्छा ये बताएं कि आपका पहला क्रश हाशमी का पहला क्रश जो था हंसे क्यों है आप नहीं हो सकता अदिल हाशमी को क्रश नहीं मैं इसलिए हंसा हूँ क्योंकि मुझे क्लास टू से लेके आज तक

और मुझे शक ये है कि सारी क्लास उनकी आशिक थी अच्छा हम भी उसमें आ, भी उसमें उसमें शामिल शामिल थे। थे। हाँ, हाँ। अच्छा। तो आप आप तो अच्छा। ना हाँ, तो लोग लो क्या सोचेंगे हाँ, तो याद रखिए क्लास टू का अच्छा सही है तो वो तब से उनके इश्क में मुबतला हुआ और एक दो साल वो इश्क रहा उनको नहीं नहीं पता

तो लोग बड़े हैरान होते हैं आपने कभी इस हैरानी को उनके चेहरे पढ़ते हुए देखा है कभी महसूस किया आपको मजा आता होगा यकीन मैं सूट पहने बगैर भी उर्दू बोल सकती हूँ मुझे वैसे। पता है मुझे पता है लेकिन एक मतलब होता है ना सूटेड बूटेड इंसान जब उर्दू में बात करता है एक्सपेक्ट उससे किया जाता है कि अंग्रेजी झाड़ेगा और जैसा आपका तल्फ है अंग्रेजी में और उर्दू में दोनों में उम्मीद यही की जाती है कि दिल हाश भी मुंह खोलेंगे लब खोलेंगे तो अंग्रेजी ही जड़ेगी लेकिन जब उर्दू निकलती है तो लोगों के एक्सप्रेशन तो लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं कह रहे यार ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो जाहिल <laughs> आदमी है हम समझे थे कुछ पढ़ गया होगा बेचारा अच्छा। सूट तो पहन लिया अंग्रेजी नहीं आई बेचारे को तो फायदा क्या हुआ आपने कहीं नहीं बैक जहां फैज के घराने का कोई चश्मूत जिराघ मौजूद हो वहां शायरी का जिक्र ना हो वहां शायरी ना हो ये नामुमकिन है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मोहब्बत की या अपनी किसी इजहार की या किसी फीलिंग की जो बात है उसे शायरी में कह दो अभी कह देते हैं रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए आहाहा जैसे सहराओं में हौले से चले बाद जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए और कुछ और बस अल्लाह का शुक्र आप सुनाए और क्या हो रहा है ऐसे थोड़ी थोड़ी मतलब इतना ही शेर लिखा है आगे, आगे आप लिख देना उन्होंने ठीक नहीं लिखा होगा आप मुकम्मल अच्छा कर दे आप कुछ और सुना दे मुश्किल है शायरी फिर और कोई बात नहीं मुश्किल सुना दे यार लोग आप हमें शौक है मुश्किल सुनने का वाकई

तो, तो अल्लाह का शुक्र है कि इलामा साहब पहली फौत हो गए अगर वो आपसे मिले होते ये शेर लिखते हुए तो फिर सुन के फौत हो जाते जाती इकबाल का शेर है ये तारीफ थी या क्या था नहीं बहुत तारीफ थी हाँ हाँ बहुत तारीफ थी अलामा इकबाल अगर मौजूद होते और के, देखते कि अपने ही मुल्क में जिस मुल्क का उन्होंने ख्वाब देखा उनकी शायरी से बे बहरा है मोमिना उनके हाँ। दिल पे क्या गुजरती

अच्छा जी अब तो सीरियस बातें तो हो गई है ना है ना, हो ना? नहीं, लेकिन ये जो बूटियां में है हाँ हा। अच्छा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है मैंने चॉकलेट पकड़ी वो घूम घुमा <laughs> और खुद आपने कागज रखे हुए आपसे आप बात करने के लिए तो चाहिए होता है ना लोग मतलब बूटियां तो चाहिए होंगी आपके सामने खड़ा होना कोई आसान बात थोड़ी है यार सिफारिश और मेरिटोक्रेसी की मौत अरे वाह क्या वा? वो होस्ट है उनके पास बूटियां और जो गेस्ट बेचारा आया है दूर से धूप में चिलचिलाती धूप में उसके हाथ में कुछ भी नहीं अच्छा, आप पैदल आए मैं पैदल अंदर तक तो पैदल ही आया <laughs> आप आपको कानों पे उठा के ले सबसे पहले जो मैं एक, एक इंसान को सच बोलना चाहिए बिल्कुल तो मैं इतना सा था जितनी ये है इतना समय था तब से जिन लोगों से मैं नहायत मुतासर हूँ और ये मैं सिद्ध के दिल से कह रहा हूं वो ये लोग हैं जो म्यूजिक करते हैं। क्या बात है दे आर तो एक वो जो ड्रम करते हैं एक अपने लिए भी करें। <laughs> ये जादूगर लोग होते सही बात है अच्छा जी अब आपने मैं लोगों का नाम दूंगी आपने इन सबको एक एक मशवरा देना है ठीक है सना नवाज

और अगर मैं ना जानता हूँ सच्ची मुची कसम उठवा ले मैंने ना अरे, अरे क्यों ना करें भाई अच्छा ठीक है फहद मुस्तफा हाँ फहद मुस्तफा, मुस्तफा को मैं जानता हूँ फहद मुस्तफा को मैं कहूंगा कि बहुत दिन हो गए कोई फिल्म नहीं आई और बहुत अच्छी फिल्में थी जो तीन चार आई थी तो एक फिल्म का वक्त हो गया अच्छा हाँ बिल्कुल ये जवानी अब नहीं आनी अली जफर अली जफर, अली जफर आ, कभी कभी कोई ऐसा भी काम करो जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो हाँ हा, आहा क्या बात है हर बात में ही कोई बात हो क्या जरूरी है हा, हर एक बात, बात पे कहते हो तुम के तू, तू क्या, क्या है, है? तुम ही कहो।, कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है अच्छा जी सबा कमर, सबा कमर की मैं बाकायदा इज्जत करता हूँ अच्छा। क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ताल्लुक मेरी नहीं है अच्छा। लेकिन मैं उनका मद्दा इसलिए हूँ कि उनकी खूबी ये है जो बहुत कम लोगों की है मीडिया में कि उनकी जो जर्नी जो सफर उन्होंने किया है वो बहुत ज्यादा है अच्छा हाँ तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हम सब आप पे फख्र करते हैं अच्छा बस अल्लाह का शुक्र आप बताएं क्या हाल है आपका बहुत हाँ बड़ी लेकिन जन्नत तो कहती है मिलियंस ऑफ uh, उनके व्यूज हैं जन्नत मिर्ज़ा जन्नत के? तो कहती है कि उनके बारे में जो बात करते हैं वो उनको नहीं जानते आज इन्होंने ये बात करके हमारा दिल खुश कर दिया कि ये हाँ। नहीं जानते नहीं, नहीं मतलब ये ये मैं मेरी जहालत का हाँ। ये इजहार है ये उनकी कोई शोहरत में कमी नहीं है हां बिल्कुल बिल्कुल मतलब इतना बड़ा अगर

तुसी नहीं नहीं मैं कमीज पहले पहनता हूँ फिर अपनी आंखें उससे मैच करता हूँ <laughs> जो, जो ये, ये, नहीं निकल आते बाहर <laughs> ये, ये नकली निकल आते हैं तो मेरे बहुत से रंगों के रखे हुए

बहुत सारे बटों को जानता हूँ उसमें से मुनीब बट नहीं है अच्छा ठीक है ये बताएं फवाद को आप क्या मशवरा देंगे फवाद खान फवाद खान को यस yes. नहीं उसको तो कुछ भी नहीं देना मशवरा कोई मशवरा बिल्कुल नहीं, नहीं।, नहीं। क्यों आ, भाई वो जो कुछ कर रहा है और जितना वो सिलेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक करता है अच्छा और इतना ही करना चाहिए एंड आई थिंक ही इज वेरी वेरी सेंसिबल नॉट दैट अदर पीपल पीपल आर नॉट लेकिन वो बड़ा मंजा हुआ और वो बहुत अपनी जवानी के दौर से बल्कि मेरी जवानी उसका तो जवानी भी चल रही है मेरी जवानी के दौर से ही इज वेरी फोकस्ड वेरी क्लियर हेडेड वेरी कमिटेड कोई मशवरा नहीं देना उसको बिल्कुल भी नहीं एंड आई थिंक वी वेरी प्राउड टू हैव फॉरद एज एन एक्टर इन पाकिस्तान देखा ना अब आपने ऐसे नाम लिए हैं जिन जिन, बारे में दिल से हाय हाय हो रही है जिनको सुन के अंदर एक जिन सा उठता है हाँ, हाँ, और वो वो क्या कहता है वो जिन कहता है कि बेटा सो जा हाँ, सोया नो अच्छा एक और काम करता अगर उन्होंने अगर उन्होंने आगे जिंदगी में कोई जीवन साथी चुनना हो कभी कभी तो अल्फाबेटिकली शुरू करे <laughs> अल्फाबेटिकली अच्छा, हाँ, हाँ, तो, कर हाँ, तो, हाँ, एस... देखें भी हाँ, कौन कौन है ऊपर आबिद कोई होगा फिर शायद भी कोई होगा अच्छा जी सनम सईद सनम सईद ये मत कहिएगा क्या अपनी मैंने फिल्म की उसके साथ बचाना ये तो कह रही है सनम सईद जो है उट ऑफ थाउड मशवरा ये है सही कर रही है काम लड़की सही कर, सही कर रही है काम लड़की यही करती रहे बस oh, यही जो, जो कर हाँ, रही कर है वही हाँ, खराब नहीं करना है, इसको बस यही करते रहना <laughs> बहुत अच्छा है. हम ले रहे छोटी सी ब्रेक We're coming right back. मुस्कुराती आयशा एकदम इतनी सीरियस क्यों हो गई है कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये इंतजाई सीरियस है और आप तो मुझसे भी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। अच्छा, होगा कुछ यूं सवाल उन सवालों के जवाब देने होंगे अगर आप जवाब देने में तखिर करते हैं या, या आप जवाब नहीं दे पाते तो हाँ वही वाली तो आपको हरी मिर्च खानी पड़ेगी या फिर अगर आप जवाब देते हैं तो आपको हम चॉकलेट देंगे ओके okay. ओके okay? okay. तो हम पहला सवाल करें आपसे ओके okay, और फिर मैं भी सवाल करूंगा एक आ, नहीं और फिर आपको हरी मिर्च खानी होगी नहीं और या चॉकलेट मिलेगी आपको नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, ये मैं अमल मैं होस्ट अमल बिल मारूफ ये जब आप शो करेंगे करता तो मैं नाउड़ी उड़ी उड़ी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बम्बे बो सुनो क्यूँकी ये शो मेरा है और मैं होस्ट करी लिहाजा रूल्स में सेट करे ठीक है ठीक तो है जब आप शो करेंगे और आप मुझे बुलाएंगे डन हो गया तो फिर आपकी बारी डन हो फिर गया आप जो यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हाशमी के साथ, आयशा जो है एक्टर अल्लाह अकबर जी आप एक्टर ही नहीं लंबी फहरिस्त है सबसे जो टॉप ऑफ सबसे ऊपर है फेरिस्त उसका नाम

enemies. Of the state. enemies. Yeah, okay. कौन सा है जिसे आप बिल्कुल नहीं समझते और जो आप समझते बस ने इसके तोबे लगाए सारे हैं। किसी एक का? नहीं मैं उनका नाम लेता हूं जिनको मैं फनी समझता हूँ वो ओक, दो है हाँ, बाकी जितने भी है वो जुमरे में नहीं आते नहीं आते Uh, सुहेल अहमद जो okay. फनी है okay. और ताबिश हाशमी जो फनी है okay. आ, बाकियों को, मैं आप को फनी नहीं समझता खातिर में नहीं लाते करेक्ट वो बिल्कुल नहीं है करेक्ट चलिए बाकी जो है ये ये, ये। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है हुँ. कि जिनके साथ आपको एज ए हीरो कास्ट किया जाए हुँ. तो आप झट से हाँ कर देंगे स्क्रिप्ट भी नहीं देखेंगे मायरा खान के अलावा ये क्या ये, ये एक और रूल आ गया

मुनासिब तादाद में है लाइक like. बता अब, दस के आसपास तो होंगी आपने दस लड़कियों के प्रपोजल हाँ, दस के आसपास शायद ज्यादा ही हो सवाल था ना पहले तो उसकी चॉकलेट पहले चॉकलेट आज, पहले चॉकलेट आप बताए क्यों? क्यों उसकी वजह ये है कि मेरी शादी हुई है ठीक है। हाँ। लेकिन मतलब in, in अगर आपको शादी से पहले करते मुझे अंदेशा ये है कि सबका ही कर लेता क्योंकि <laughs> मैं उस वक्त कम अकल था अच्छा ठीक हाँ। है तो अलहमदुल्ला अब चूँकि कुछ अकल आ गई है तो अब भी बचत है वरना पहले तो और शुगर है के पहले नहीं आएगी

जब आपसे बात हो रही थी कि शो पे आ जाओ मैंने कहा मैं बहुत मसरूफ हूँ वही झूठ बोला था अच्छा, आपने भी आपने भी झूठ बोला था क्या कि बहुत मजा आएगा अच्छा, मैंने कुछ नहीं कहा कोई मजा <laughs> नहीं अच्छा, मैं तो झूठ वूट नहीं बिल्कुल बोलता बिल्कुल झूठ नहीं बोलते मतलब शायद बहुत ही कम ऐसा बोलूंगा कि अच्छा यार मैं शाम को मसरूफ हूँ जबकि मसरूफ नहीं हूँ किसी ने दावतनामा भेजा है कि शाम को आ जाना परसों शाम को मैं नहीं मैं तो यार शहर से बाहर जा रहा हूँ मेरे कैलेंडर में लिखा है इतना बोलता हूँ

बहुत दिन पहले ये ये ले देखा आपने ये मेरी सच की गवाही जो है अच्छा। वो वो इनकी ये दबी दबी सी दबी सी नहीं मेरा तो वाले हाना का है जो ये झेप रही है ना अपनी हंसी के अंदर की शर्मिंदगी तो इनको मैंने व्हाट्सएप किया पहले फोन किया इन्होंने फोन अटेंड नहीं किया क्योंकि इनकी खराब थी तबियत मैंने हाल हवाल पूछने के लिए फिर इन्होंने कोई सत्रह घंटे के बाद एहसान किया मेरे बुजुर्गों पर जवाब दे दिया फिर उन्होंने कहा आई कॉल यू इन हाफ एन आवर या वन आवर

बैंक <laughs> से ले मुझसे क्यों ले रही है हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर यू आर कॉमिंग राइड बैक

बिल्कुल लैपटॉप लैपटॉप बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल नहीं बिल्कुल ही लैपटॉप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल बिल्कुल ही वीडियो कॉल वीडियो कॉल हाँ हाँ बिल्कुल नहीं वॉइस कॉल वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैसेज और अगर आप जैसी आवाज हो तो फिर वो वीडियो कॉल भी नहीं मैं मजाक अच्छा ये बताएं कि गाँव या शहर किस चीज के लिए किस चीज के लिए रहने के लिए रहने के लिए प्रोग्राम में गाँव लेकिन असल में शहर

आ, दो से कम भी हो सकते हैं नहीं अगर सिफर कर दें नहीं तो बिल्कुल है? नहीं बताइए नहीं तीन तक भी ठीक है इतना सा पाकिस्तान है यार जरा सा तो बंदा मार्जिन ले ही लेता है हाँ, तीन तक भी ठीक है तीन, तीन से ऊपर नहीं, नहीं होना हाँ, चाहिए चार पांच तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल सही के नहीं होने चाहिए नहीं होने चाहिए स्विमिंग या हाइकिंग एक सेकंड आपके कितने पांच अच्छा चलो ये तो मसला हल हो गया हाँ, अच्छा बताइए हाँ, स्विमिंग या हाइकिंग यार दोनों ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन, लेकिन एक आपकी तो, तो तो फिर स्विमिंग स्विमिंग अच्छा ये बताएं कि मेकअप या नेचुरल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल नाच्छल। हा, हा, जो बिल्कुल आप नहीं है इस वक्त, इस वो वक्त तो ऑब्वियसली नहीं हूँ हम यहाँ टीवी पे बैठे हुए तो टीवी पे नेचुरल बैठ सकते नहीं बैठ सकते ना मुश्किल होता है मतलब लोग चाहते हैं एक खास तरह अच्छा ये सारा कुछ जो आपकी ख्वाहिशात ख्वाहिशा दबी दबी आप लोगों पे क्यों डाल देती है लोग ये चाहते हैं लोग ये चाहते हैं कौन से लोग चाहते हैं वो एक तरह से देखना चाहते हैं कौन से लोग

बिल्कुल मजेदार खाना मजेदार हाँ, खाना खाना भी, अच्छा भी मजेदार खाना ही है अब अगला जुमला बोलें कि आप बुलाना चाहें, तो इस पत्ते <laughs> ना अच्छा ठीक हाँ। है आइसक्रीम या चाय लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की ओके क्वालिटी की नहीं क्वालिटी की बहुत अच्छी तारीफ या क्रिटिसिज्म किसी के लिए अपने लिए अपने लिए हमेशा तारीफ हमेशा हाँ हाँ, नहीं, हाँ और क्या नहीं नहीं लपट ना लगा हुआ <laughs> एक बंगला है वो परफेक्ट है अच्छा अब तुम तनकीद कर रहे हो और अच्छा, तुम कौन हो हाँ, अच्छा, हाँ, खबरदार खबरदार बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगी एक्शन मूवी या रोमांटिक अब तो एक्शन मूवी ही क्योंकि इंसान से जो काम नहीं होता ना इंसान उस तरह की मूवी देखना पसंद करता है अच्छा तो जवानी में रोमांटिक मूवीज अच्छा। क्योंकि होता जो नहीं था हाँ, अच्छा, रोमांस नहीं होता था हाँ। अब से होता है। नहीं अब हमने है। अच्छा। अब के, अच्छा, <laughs> ये देखो ये बंदूकें चल रही है जहाज से चलांगे अच्छा एक्शन नहीं एक्शन तो एक्शन मूवी का फायदा ये है कि वो जब खाने के बाद आप देखते हैं तो खाना हजम जल्दी हो जाता है अच्छा ठीक है मार कुटाई और हाँ। लड़ाई झगड़ा उसमें तो कॉमेडी फिर हमने खुद भी इतनी कर ली कि हाँ। अब क्या कॉमेडी क्या देख रही है और जो हमारे हमसाएं उनको कॉमेडी आती ही नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल फजूल कॉमेडी फीकी कॉमेडी बिल्कुल ही फीकी अच्छा जो आज कल स्टैंड का रिवाज चला है उसके बारे में क्या कहेंगे आप मैंने पाकिस्तानी तो नहीं देखे

हमेशा वॉक वॉक हाँ हाँ, कोई ही नहीं है आप अभी भी मुझे पता है कि वॉक रोज रोज जाते टाउन पार्क रोज अच्छा ये बताएं खाना खुद पकाना है या किसी और का हाथ का हमेशा किसी और का पका वो खुद खाना थोड़ी पकाना है <laughs> कभी भी उसके बाद मैंने नौकर कर लिया में अच्छा, सही है? तो अब भी एक, एक चीज होती है अरे हाँ। वा, वा, वा। तो ले, लेकिन किसी दिन सीखना जरूर है अच्छा खाना बनाना अच्छा अब जब मुझे आइंदा बुलाएंगी कुछ महीनों के बाद अगर बुलाया तो इस प्रोग्राम की रेटिंग के बाद तो नहीं बुलाएंगी ऐसा तो कुछ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खाना पकाना सीख चुका हूंगा तब हुँ। हुँ। अगर आपको करना पड़े तो सीरियल करेंगे या फिल्म 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 ओके अच्छा जी, ये तो बहुत मजेदार बातें हो गई अब हम आगे अब हम आते हैं बोरिंग बातों के ऊपर हाँ, बोरिंग क्या 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 हाँ, तब तब आओ जी बिस्मिल्लाह आपकी जिंदगी में आपके दोस्तों में आपकी जिंदगी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे दर्द हाँ जी मेरी जिंदगी में आपकी जिंदगी में आलसी नंबर वन कौन है जो हिल के राजी नहीं है कौन सा नंबर नंबर क्या होता है आलसी जो बिल्कुल हिलता नहीं है उसको आलसी कहते आ, हैं के मतलब आलसी है आप अगर कह रहे हैं उर्दू का नहीं है तो फिर फारसी का उर्दू की हूँ लेकिन आपका दस्तरस बहुत है आपको उस पर उर्दू पर और आपको भी काफी दस्तरस है प्रोग्राम पर नहीं मुझे नहीं है आप चले आगे बताए अच्छा क्या है दोबारा जो हिलता नहीं है जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता आपके दोस्तों में या में।, में, में जो अभी हाल ही में आ, हुई थी तो 24 करोड़ <laughs> का नंबर <laughs> पेश हुआ था हाँ। उसमें से साढ़े तेईस करोड़ तो शायद ऐसे ही होंगे मुझे है। तो ऐसी आपके एक्टर्सिटी की बात करें एक तो मैं एक्टर्स फ्रेटर्निटी में है। मैं किसी फ्रेटर्निटी में नहीं हूँ यार वापस आ जाए ना आप क्या हो गया यार आई थिंक एक्टर्स तो चलो जैसे भी होते हैं इस टीम की बात नहीं मैं कह रहा लेकिन जो कैमरे की पीछे की टीम होती है हाँ। आमतौर से ये नहीं ये तो बहुत अच्छे खिलाफ अच्छा। कि की लाश पड़ी हुई है <laughs> कि यार पानी पिला दो वो, वो हिलता ही नहीं है ना पानी वाला हिलेगा ना मेकअप वाला हिलेगा मैंने आज मैंने उन्नीस में टीवी पे मैं आया था पहली दफा ठीक है दो आ गया आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ ज़िंदगी में कि आपका जो मेकअप का यहाँ नौजवान था वो भाग कर गया और वो कुछ चीज लेकर आया हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा वो सही बात है। और मैंने ए, सोचा बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी।, बहुत अच्छी तो टेलीविजन में एक्टर्स तो चलो इतने सुस्त नहीं है हाँ? लेकिन जो कैमरे के पीछे की वो वो बहुत अच्छा आपने जब कहा तो मैंने हरगिज मेरे जेहन में अपने सुसाली नहीं आए यार नहीं आए कुछ भी ना कहा और कह भी कुछ कहे? भी नहीं कहा हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी ही दफन कर बस बस ओके अच्छा, वो लगा देगा ना कैमरा कैमरा ये सब को रिकॉर्ड करके चला देगा ठीक नहीं मीडिया में तो लोग बहुत बहुत कंजूस होते हैं हाँ, तो हाँ, नहीं नाम नहीं मैंने लेता अरे नहीं नहीं क्या होता है नहीं नहीं होता है ना यार क्या होता है आपकी इतनी दोस्ती है आपने कह भी दिया तो किसी ने माइंड ही नहीं करना नहीं माइंड करना है नहीं करना बताएं हाँ। तो कोई ना कोई ट्रोल उठेगा चीचा वतनी से वो कोई अजीब सी बात कर देगा वो आग लग जाएगी ट्विटर पे अच्छा चले बताएं तो सही ना मतलब कौन है जो कंजूस नंबर वन है जैसे कभी अपनी जेब से नहीं मैं नाम नहीं लेता लेकिन लेकिन अगर दस एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है 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 सपोज उनमें से 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 कम से कम 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 पांच पांच ऐसे होंगे कम से कम जो, जो होंगे जो कंजूस अच्छा हाँ, वो अपनी जेब रुपया नहीं निकालेंगे ओके okay, अब ये बताएं स्टाइलिश आपके अलावा और कौन है, आपको लगता दुनिया में में मतलब आ, की बात हो रही है ना कर लें

जिंदा लाश <laughs> है। <एक। laughs> अच्छा दुखी अब से आत्मा नहीं कॉलेज के जमाने से अच्छा दुखी आत्मा कौन है मर गया ये हो गया वो हो गया वो तो फिर वो तो फिर मैं ही हूँ नहीं नहीं यार ये आ, तो नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं आप तो हसाते भी हैं बहुत लेकिन वो दुखी आत्मा कौन है आई डोंट नो ना नहीं। करे आपकी मुस्कुराहट आपको पता है कौन है लेकिन आप बता नहीं रहे यह आपको कैसे पता सकती आपके था? आपके चेहरे से ना नुमाया हो रहा है आपको मेरे चेहरे की की नुमाइंदगी क्या पता कि क्या नुमाया दोस्त है, तो है कहाँ हैं मैं हरगे रमज भी अच्छा लफ्स तो है रम, अच्छा चलिए बताइए ना नहीं कोई नहीं ऐसा आत्मा है ऐसे ना करें कौन है दुखी आत्मा आपकी आपके देखे ही मुस्कुरा रहे मुस्कुराने मतलब। में में क्या मसला? वो देख 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 वो 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 कर कर रहे यार 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 जो हो हो ए, ए, चलो, चलो, चलो आगे, आगे चले। नहीं हद गई, तो सही ना। मेरे ख्याल जवाद बशीर हमारा पुराना यार है, <laughs> है वो, वो काफी दुखी आत्मा। <laughs> हद दुखी आत्मा। आत्मा। अच्छा जी और हीरो नंबर वन ये लास्ट है इसके बाद कोई बहस ही नहीं है वो मिकाल जुल्फकार है हीरो शुरा पाक नाज जवाब, जवाब शिकवा के क़ौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही बर्द तबई ना रही शोला मकाली ना रही रह गई रस्म अजान रूह है बिलाी ना रही फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शोर अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर हुआ काफिर तुम तो मिले हुरो कु तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो नहीं जिस कौम को परवाह नशे मन तुम हो जिसमें हुआ आसूदा वो खिरमन तुम हो बेज खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो एक है इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक फिर बनती है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तुम मुसलमान भी हो हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था कि मोहम्मद से वफात ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। क्या बात है बहुत खूब मतलब पूरा फील चेंज कर दिया आपने आइए इस तरफ आपने इस खूबसूरती से अदायगी की है कि क्या बताऊं हम तो उस शहर से ही नहीं बाहर आ रहे लेकिन अब क्या करें फॉर्मेट तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एकदम इतनी इतनी सीरियस बातें हो गई हैं कि हमें थोड़ा बहुत तो मुस्कुराना पड़ेगा अगर आपको चांद पे जाना हो

ये बताएं कि चांद पे जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे मोड़ के देखूंगा जमीन की तरफ और सोचूंगा अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना हो और कोई एक चीज आपको फ्री मिल रही हो तो वो कौन सी चीज होगी जिसे आप स्टॉक करना चाहेंगे आ, बहुत अच्छे से रनिंग के शूज अच्छा उन्हें स्टॉक कर ले आपको रनिंग करनी होती है या आप नहीं सिर्फ जमा करने का शौक है जैसे आपको वगैरह का जमा करने का शौक अच्छा। होगा अच्छा तो मुझे नहीं पता कि नहीं, है कि मुझे नहीं। नहीं है को होता आ, अच्छा। तो वो जो हैंड बैग है उसमें कुछ रखना तो नहीं है अच्छा। बस एक बीमारी है कि बस हैंड बैग होने चाहिए बहुत सारे अच्छा सही तो मुझे वो बीमारी है कि जूते अच्छे होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए क्या बात है अच्छा कौन मिल जाए अचानक से तो आप उसके साथ खुद कह के सेल्फी बनाएंगे ये भी शर्त है कि पाकिस्तानी हो नहीं जो मर्जी कोई भी हो कोई भी हो Uh, मेरे ख्याल में टॉम क्रूज अगर मिल जाए अच्छा शोर जेनेगर अगर मिल जाए ओके कटरीना कैफ अगर मिल जाए ओहो काफी है काफी तीन काफी है, है। तीन काफी, काफी। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो बैक करना हो और आपको पता चले कि आपको इंस्टाग्राम पे माहिरा खान फॉलो कर रही है आप उन्हें फॉलो बैक करेंगे पहले तो मैं एक जोरदार और जन्नाटेदार चीख मारूंगा अच्छा। फिर दीवार से जाके सर पटकूंगा कि देखूं कि मैं होश में तो हूँ अच्छा। दोबारा देखूंगा और फिर बड़ी ऐसी आपको अच्छा मुझे करते। अच्छा ठीक है हाँ। <laughs> ओके लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो कौन आपका साथी होगा मायरा नहीं हो सकती आपका बेटा नहीं हो सकता मैं मैं नहीं हो सकती और कौन होगा मैं और मेरी तनहाई मुझे पता था यही अक्सर ये बाते। बातें करेंगे अरे वाह क्या बात है इन तीन अच्छा कोई तीन लोग बताएं जिन्हें इमरजेंसी में आप कॉल करेंगे व्हाट वुड बी योर फर्स्ट कांटेक्ट किसे कॉल करेंगे सब तीन सब तो ज्यादा कह आपने तो, दो, दे तो दो बता देता आपको दो दें एक मैं निवालता है और एक मेरे करीबी दोस्त ओके ठीक है अब ये बताएं कि आपको सड़क पर कोई इमरजेंसी हो गई है आपको दस्ती पैसे चाहिए आपकी जेब में नहीं है कौन है वो पहला शख्स जिसे आप फोन करेंगे ठीक है पहले मैं सवाल समझ लू हाँ। कि अगर पैसे नहीं है हाँ। तो वो मैं सड़क पे आ चुका हूँ मुहावरे <laughs> तक मैं सड़क पे आ चुका हूँ तब अच्छा तो उस वक्त तक तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा मैं बहुत पहले पैसे मांग चुका हूँ राइट लेकिन कोई से कि कोई फिर भी चाहिए हाँ, गाड़ी ठुक गई आपसे क्रैश हो गई है मेरे में अम्मा क्योंकि देखें और अगर अम्मा फोन नहीं उठा रही फिर हाँ, मैं बिल्कुल ये कहने लगा था कि दो खूबियां चाहिए इस मौके पे उस शख्स में एक तो ये कि वो फोन उठा ले हाँ। और तीस खूबियां तीसरे उसके पास पैसे हों ओके और फिर ये कि वो देने के लिए आमादा हो ठीक है तो ये तो मेरी अम्मा में तीन खूबियां हैं ठीक है आ, बाकी तो से उन्होंने फोन नहीं उठाया तो दूसरा इंसान तो तो मैं तो मैं वहां बैठ के सोचूंगा कि मैंने जिंदगी में आखिर ऐसी क्या क्या गलतियां की कि मैं इस मोड़ पे इस वक्त हूँ कि सड़क पर हूँ और पैसे चाहिए और कोई देने वाला नहीं कोई देने वाला नहीं है आपके अपने पर्सनल तीन इंटरनेशनल फेवरेट स्टार्स स्टार्स जिन्हें आप स्टार समझते हैं दे फ्रॉम ओके ओके आमिर खान और ये भी बताना है म... कि क्यों आमिर खान का मैं बताऊं कि क्यों आपके फेवरेट क्यों हैं व्हाई डू यू आमिर खान तो uh, बहुत कंट्रीब्यूशन है आमिर खान की वेरी सेंसिबल आई फाइन अ वेरी सेंसिबल स्टार कि वो जो जो स्टार्डम की जो फुलझड़ियां होती हैं <laughs> कि शोज हो रहे हैं और कंट्रोवर्सी हो रही है और पॉपुलर फिल्म्स हो रही हैं वो ऐसे नहीं करते okay. वो वो बड़ी एक वो चुन के फिल्म्स करते हैं और मानी खेज फिल्में होती हैं उनकी right. यादगार so, so आपने उनकी लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी जो अभी आई थी कौन, कौन थी? सी आई थी पता नहीं कौन सी आई थी यार जो भी आई थी थ्री इडियट्स तो याद है मुझे उसके बाद हाँ ये जो थी ना जो फिर वो लाज आ, हाँ, लाल सिंह चड्डा हाँ वो फिर कुछ चली नहीं थी पर फिल्म वो ठीक थी आपको पसंद आई नहीं मुझे तो फिल्में पसंद नहीं आती अच्छा, लेकिन फिल्म अच्छी थी आपके तीन फेवरेट कलर्स ब्लू के अलावा ब्लू तो मुझे पता है तिरमिजी काकरेजी और कबूदी आहा हा अब आप इन सब के मतलब आप ट्रांसलेट भी करें बिल्कुल ऐसा नहीं है खुद सीखेंगे जाके इसमें आप भी शामिल है वही मैं सोच रही थी काक्रेजी और कबूदी और कबूदी ये तीनों रंग आपने तलाश करनी है और उसके बाद आपने हाशमी के इंस्टाग्राम पे जाना है और उनको बताना है कि इनका क्या मतलब है अंग्रेजी में उनका एक्चुअली वो कौन से रंग हैं चले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बहुत मजा आया आपके साथ इस शो का महफिल बहुत खूबसूरत से जी लेकिन दिल में एक जैसे कहते हैं ना कसा क्या है कि बहुत सारी बातें हैं जो हम इस शो के दौरान नहीं कर पाए ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता गालिब का शेर इसलिए गालिब ने कहा जी जी। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को आहा। ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता वा, वा, वा। लेकिन मैं एक बात के तराफ करना चाहता हूँ मैं एक अरसा दराज के बाद किसी शो के ऊपर आया हूँ और बहुत मैंने मुजामत पेश की थी कि मैं नहीं आना चाहता लेकिन आयशा की मोहब्बत और मिलनसारी और उनकी मेहमान नवाजी और जो टीम है यहाँ पे ये खिलाफ तवक्को ये काबिल भी हैं और मुस्तैद भी हैं मुमना की उर्दू कुछ कमज़ोर है वो कोई बात नहीं इंशाल्लाह बड़ी होती बेहतर हो जाएगी और ये जो मेरे साथी हैं ये, ये इतना लुत्फ आया इनके साथ और इस टीम को और इस प्रोग्राम को और चॉकलेट टाइम्स को अल्लाह करे कि इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले और इस मुल्क को भी तरक्की मिले एंड गॉड ब्लेस ग्रेट पाकिस्तान जिंदाबाद और हमें देखते रहे अपना फीडबैक देते रहे कॉमेंट करते रहे आपसे मुलाकात होगी इनशाला अगले प्रोग्राम में खुलाफ